विधानसभा चुनाव से पहले सरकार नए साल पर पुराने सीतापुर की जनता को एक और तोहफा देगी। इन्हें ये सौगात देने को सरकार पुराने सीतापुर की सिटी स्टेशन से वाया खैराबाद बिस्वा रेवसा होते हुए बहराइच तक रोडवेज बस चलाएगी। इस रूट पे करीब करीब 3 दशक से बंद रोडवेज बस सेवा शुरू करेगी। 2 जनवरी को पुराने सीतापुर के सिटी स्टेशन से उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के निदेशक भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सफाअत हुसैन रोडवेज बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बस सेवा शुरू होने के बाद यहां से खैराबाद बिस्वा रेवसा होते हुए बहराइच जाने वाले मुसाफिरों का आवागमन काफी हद तक सुगम हो जाएगा। आपको बता दें कि करीब 30 बरस पहले पुराने सीतापुर की जनता को आवागमन की सुविधा देने के लिए रोडवेज बस चलाई जाती थी, जिससे यहां के लोगों को आवागमन की बेहतर सहूलियतें मिलती थी, लेकिन बाद में विभाग ने यहां से चलने वाली बस सेवा बंद कर दी थी। संचालन बंद होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती थी। इसे देखते हुए काफी समय से यहाँ की जनता द्वारा बंद रोडवेज बस सेवा को पुनः चालू कराए जाने की मांग की जा रही थी। मांग को जायज मानते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग ने एक बार फिर पुराने सीतापुर से रोडवेज बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया। सीतापुर डिपो के ARM राकेश कुमार बताते हैं कि पुराने सीतापुर से 2 जनवरी रोडवेज बस सेवा शुरू होगी। सिटी स्टेशन से एक जोड़ी बस वाया खैराबाद होते हुए बिस्वा रेवसा व बहराइच को दौड़ाई जाएगी। ये बस सुविधा 7:30 बजे यहां से बहराइच को जाएगी और शाम 4 बजे बहराइच से चलकर वापस 7:30 बजे सिटी स्टेशन पहुंचेगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।